देखो गुड लोग, फाइनली बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से आपने इंडिया पाकिस्तान के वॉर के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज देख ली होंगी। उसी कॉन्सेप्ट पर एक और नई मूवी आने वाली है जिसका नाम रखा गया है पिप्पा, और इस मूवी का ट्रेलर आउट हो चुका है। चलिए बात करते हैं कि पिप्पा मूवी किस टाइप की हो सकती है, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहिएगा। इस मूवी के ट्रेलर का रन टाइम है लगभग 2 मिनट 26 सेकंड का, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1971 में डेडलीस्ट वॉर होता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि यह मूवी एक टाइप से बायोपिक होने वाली है। इस मूवी आपको देखने को मिलेगा बलराम सिंह मेहता, जो कि 1971 के वॉर में उस टैंक के स्क्वाड्रन थे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ट्रेलर का रन टाइम है 2 मिनट 26 सेकंड का। ट्रेलर छोटा है, इनफ है, लेकिन मूवी ट्रेलर में हमको मेकर्स ने ज्यादा कुछ दिखा दिया है। आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप इस मूवी का ट्रेलर देखोगे, लगभग 90 से 80% इस मूवी की स्टोरी को आराम से प्रिडिक्ट कर लोगे। और यार, यह मूवी का सबसे बड़ा डिसअपॉइंट है कि ट्रेलर में मेकर्स ने ज्यादा कुछ दिखा दिया है। कुछ सस्पेंस डाल देते यार और कुछ अलग ही दिखा देते तो और मजा आता। लेकिन गुड लोग, इस मूवी की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह मूवी ज्यादा से ज्यादा बैटलफील्ड आपको दिखाएगी, क्योंकि बॉलीवुड की तरफ से 1971 के वॉर के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, लेकिन उन मूवीज में आपको बैटलफील्ड कम दिखाई जाएगी इस मूवी की अपेक्षा, जो कि हमको एक नेक्स्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस देती है और हमको यह दिखाएगी कि सोल्जर किस टाइप से जंग लड़ते हैं। ट्रेलर को पॉइंट टू पॉइंट देखने में यह समझ आ गया कि मेकर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस मूवी पर, क्योंकि इस मूवी का प्लॉट पूरी तरीके से 90s के समय पे बेस्ड रहेगा। तो यार, 90s के समय पे बेस्ड रहेगा तो उस टाइप की चीजें दिखनी भी चाहिए ना, क्योंकि इस मूवी की शूटिंग ज्यादा से ज्यादा मैदानी वाले इलाके में हुई है। तो उधर हमको हट दिखाई गई है, पुरानी गाड़ियां दिखाई गई हैं, जो कि हमको पूरी तरीके से यह दिखाएगी कि 90s के समय में एग्जैक्टली हुआ क्या था। अच्छा किया कि मेकर्स ने इस मूवी में VFX बहुत ही कम यूज किए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का VFX वाला हिस्सा इतना कमजोर है, जिसकी वजह से हर जगह हर कोई आदमी थूथू करता है। बाकी गुड लोग, ईशान और मिलो ठाकुर इस मूवी में एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं कि यह जोड़ी क्या और कितना बढ़िया कमाल करके दिखाएगी। यह मूवी आने वाली है 10 नवंबर को, जो कि रिलीज होगी Amazon Prime Videos पर। तो मैं इस मूवी को बड़ी सी LED TV पर आराम से बैठकर देखूंगा। अगर आप देखेंगे तो हमको कमेंट्स में जरूर बताना, और इस टाइप की रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रिव्यू वाली वीडियो के साथ। गुड बाय।